subscribe to our channel and press the bell icon for new updates. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो जैसा कि आपको पता तो लगी गया होगा थंबनेल और टाइटल देख के वीडियो की कि ये वाली वीडियो कहाँ की होने वाली है. जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, ये वीडियो होने वाली है तानी जुबर की. तानी जुबर अलग अलग नाम से इसको प्रोनाउंस करते हैं लोग. तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ जाने वाला हूँ तानी जुबर लेक. सो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है. बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है. लेक तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ. इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये 7000 फीट की ऊंचाई पे है फ्रॉम द सी लेवल. तानी जुबर लेक लोकेटेड है थानाधार में, जो कि है कोटगढ़ में, और ये बहुत ही घने जंगलों से घिरी रहती है. तानी जुबर लेक थानाधार के नाग देवता टेम्पल के लिए जानी जाती है, और यहाँ हर साल मेला भी होता है तानी जुबर लेक में. और ये अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस में नारकंडा से ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है, और थानाधार से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे है. तानी जुबर के आसपास बहुत से लोगों के ऑर्चर्ड्स वगैरह, एप्पल ऑर्चर्ड्स वगैरह. तो जब भी आप वहाँ के लिए जा रहे हो तो आपको बीच में एप्पल ट्रीज़ के ऊपर नेट्स देखने को मिलेगी, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए वो डाली होती है हेलस्टॉर्म वगैरह से, बाकी और चीज़ों से. और तानी जुबर लेक में अनेक पक्षियों का बसेरा भी है. वहाँ पे अलग अलग वैराइटीज़ की पंछियाँ पाई जाती है. यही कुछ बातें थी जो मुझे तानी जुबर लेक के बारे में पता थी. तो इसके बाद की वीडियो पूरी रॉ होने वाली है, नेचुरल होने वाली है. तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा का पूरा. फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं यहां पे ताना जुबर, जो कि है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लेक. यहां पे ताना जुबर लेक के नाम से मशहूर है. और यहां पे है नाग का मंदिर, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, ये वाला है मंदिर यहां पे टेंपल. और ये है ब्यूटीफुल सी लेक यहां पे मेरे बैक साइड में, वहां पे देख सकते हो आप उस जगह. तो अभी आपको इसको नज़दीक से दिखाता हूँ मैं. तो मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ पे. तो ये है मेरे मामा, ये है पापा. तो आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके, इतनी खूबसूरत जगह देख सकते हो आप, और ये मेरी सिस्टर है. तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. अच्छा, ओके. और साक्षी को? मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये जगह. वाह वाह वाह, देख ही सकते हो आप गाइस कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये. अब मैं भी अपने आप को ले लेता हूँ कैमरे में. तो ये बैक साइड में है लेक, जल्दी से आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इसे. तो फ्रेंड्स, मैं पीछे देख सकते हो नाग देवता जी का मंदिर. और अभी मैं लेक की तरफ जाने वाला हूँ. तो ये था मंदिर, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा लेता हूँ. ये देखिए, अगर किसी ने बड़े तरीके से देखना इसे, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, सफाई का विशेष ध्यान रखें, कूड़ा करकट कूड़ेदान में ही डालें. फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से यहाँ तक आए, और यहाँ पे हमें टेंपल दिखा. और नीचे देख सकते हो आप क्या अमेजिंग से पत्थर है यहाँ पे, ब्यूटीफुल लग रहे हैं. और ये है घास, बीच में जूब भी है थोड़ी बहुत, वैसे जूब का नामो निशान हाँ दिख रही है. ये देख सकते हो आप, ये है जूब, इसे कहते हैं जूब, छोटा घास होता है. फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है. ये लेक है यहाँ पे, ये फॉरेस्ट है घना सा, और ये बादल है. और तो ये क्या मंदिर का है ऊपर, ये होटल वगैरह है आई थिंक, और इसका कुछ आइडिया नहीं है ये क्या है, ये मंदिर का ही हो सकता है यहाँ कहीं. तो आइए अब मेरे पीछे पीछे आप, और देखते हैं हम इस जगह को पूरा. गाइस, इधर
है, कोलकाता से आए अपने यहाँ पे लोग, तो देख सकते हो आप इनको भी। आप किस जगह से हो कोलकाता में? मैं पटना से हूँ। ओके ओके ओके, अच्छा पटना, पटना से हो आप? ओके, मैं भी कोलकाता से। ओके, हम दोनों दोस्त। आपकी बातें हमको समझ नहीं आती, हिंदी आती है ना आपको? हाँ। ओके, तो कैसे चले हुए हैं? और मैं भी छे, मम्मी और पापा चले हुए हैं साथ में, साथ में तो मेरी बहन चली हुई है। इस तरफ को ये देख सकते हो आप, लेक है और ये है फॉरेस्ट। क्या ही नज़ारा लग रहा है यहाँ से, देख सकते हो आप क्या ही नज़ारा लग रहा है। और ये है टेम्पल जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया था इस जगह से, तो ये वाला है वो टेम्पल। और मेरे पीछे चले हुए मेरी फैमिली वाले, मेरी बहन है और मम्मी है पापा है, और साथ में यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है लेक का भी। आजकल थोड़ी मैली हुई है तो मॉनसून के टाइम में इसमें पता नहीं एलगी वगैरह लगी हुई है आई थिंक, बाकी समर्स के टाइम में अच्छी होती है ये और जम भी जाती है सर्दी के टाइम में, और सर्दी के टाइम में गाइस ये जम भी जाती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, देख सकते हो आप मेरे पीछे का, और यहाँ पे चला हुआ है। ये अल्ट्रा वाइड पे शूट हो रहा है ये वाला पूरा का पूरा वीडियो, तो इस वजह से बैक साइड में सब कुछ दिख रहा होगा आपको। ये देख सकते हो आप इधर, और रास्ता भी बहुत अच्छे से मेंटेन है, ये पत्थर लगाए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर किसी ने रेस्ट करना है उनके लिए, ये कोई बुजुर्ग आदमी आपके साथ है आए हुए, उनसे नहीं चला जा रहा है तो यहाँ पे वो रेस्ट कर सकते हैं। ये एक तरह का रेन शेल्टर है, ये देखिए आप, तो ये ओपन है, कोई बंदिश नहीं है यहाँ पे। ये है रोड जो पता नहीं कहाँ को जाता है, यहाँ इस बोर्ड में लिखा होगा। ये जाता है इस जगह के लिए वाला रोड वाइडनेस, ये पता नहीं कुछ होटल वगैरह आई थिंक। ये देख सकते हो आप यहाँ पे क्या ही नज़ारा लग रहा है, और वो मंदिर वहाँ पे रह चुका है। हम यहाँ से आ चुके हैं राउंड काटते हुए, और हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये साक्षी, इसके पास कैमरा दिया हुआ है मैंने, और इसका पर्स भी है। ये देख सकते हो आप, इस तरफ को जंगल है घना सा, और यहाँ पे ना फेंसिंग दी गई है, अगर आपको दिख रही होगी तो ये फेंसिंग है यहाँ पे, ताकि भाई कोई भी जंगली जानवर वगैरह ऐसे फालतू का इधर हो नहीं जाए एंटर। वैसे हो भी सकता है लेकिन इतनी बड़ी फेंसिंग नहीं है, लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, ये देख सकते हो आप। देख सकते हो आप ये मंदिर है, पूरा नज़ारा यहाँ से वहाँ तक का सारा नज़ारा। और ये साक्षी चली है, ये मम्मी चली है, और पापा पीछे है यहाँ पे। चले हुए अभी, और हम उसी एंड पे वापस पहुँच रहे हैं जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, इस जगह से किया था हमने। हम पूरे एरिया में यहाँ से यहाँ का चक्कर काट के फाइनली हम पहुँच चुके हैं इस तरफ। और ये है लेक ताना झुब्बड़, और वो है रेन शेल्टर वो छोटा सा। और फाइनली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो कैसा लगा फिर तानी झुब्बड़ लेक घूम के, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, ऑसम ऑसम। तू अब नमाज निकाले, ठीक है ठीक है। ओके, आपको कैसा लगा? ओके, सो पर्सनली मुझे तो बहुत ही सही लगा है। मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये लेक है और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। अभी हम यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करेंगे, उसके लिए तो हमने ये लाया हुआ है DSLR, तो अब फोटोज वगैरह लेते हैं और फिर चलते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो, क्योंकि मैं इतने ब्यूटीफुल प्लेस पे आपको लेके आया हूँ। इससे पहले मैं हाटू गया था। हाटू और तानी जुबर ना साथ साथ ही पढ़ते हैं, पर उस टाइम तानी जुबर का प्लान नहीं हो पाया, लेकिन आज मैंने प्लान बना ही दिया, तो अपनी फैमिली को साथ लेके आया हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने इंट्रोड्यूस किया एक एक करके सबको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप फ्यूचर में भी देख सको। और लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस तरह के ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाने के लिए उनको भी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।